मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशुलिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान बिहार। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो 80 वर्ड पर मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये 80 वर्ड का वीडियो आपको मात्र 3 मिनट के लिए पहले दी जा रही है। आप इसको शुद्धता के साथ लिख करके और फिर ट्रांसक्रिप्शन अवश्य करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मस्ट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन शुद्ध शुद्ध होगा तो ही आपको आशुलिपि में विशिष्टता प्राप्त होगी, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। अब आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है, आपका समय शुरू होने वाला है। बी रेडी। कांच आजकल हम लोगों के लिए इतनी सामान्य चीज हो गई है कि वास्तव में उसके मूल्य को समझना मुश्किल हो गया है। विद्युत प्रकाश के सार्वजनिक प्रचार व प्रसार का श्रेय कांच को ही जाता है। विद्युत ताप से रात्रि में बड़े शहरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। वास्तव में हम आज ऐसे किसी घर के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसमें कांच की बनी हुई कोई वस्तु न हो। शीशे का गिलास हो या मुंह देखने का शीशा, दवा की शीशी हो अथवा आँख का चश्मा, ये वस्तुएं गरीब के घर में भी मिलती हैं। यूरोप में इटली वालों ने सबसे पहले कांच का आविष्कार किया था और संसार में शीघ्र ही कांच की वस्तुओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। आज भी इटली वाले इस प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। कांच बालू और सोडे के योग से बनाया जाता है। बालू जैसी सस्ती वस्तु से कांच की निर्मिति वैसी ही पहेली है जैसी कोयले से हीरे की निर्मिति। हालांकि यह सत्य मालूम नहीं होता है, पर विज्ञानियों की सहायता के बिना सत्य होते हुए भी इसकी सत्यता समझने में संकोच होता है। आज तो लोग कांच की दीवारें आदि भी बनाने लग गए हैं। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, यह उक्ति कांच पर सही ढंग से खरी उतरती है। कांच के अंदर किसी तरह की बुराई छिप नहीं सकती, वह दृष्टिगोचर हो जाती है। फुल स्टॉप।